हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में समर्था टेक्निकल ने आपके लिए सैनिटाइजर टनल का जो किट है गाइस वो बनाया है। तो इस किट का अनबॉक्सिंग करके इस किट के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है तो चलिए देखते हैं। मैं हूं प्रमद और आप देख रहे हैं समर्था टेक्निकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना का भी बढ़ चुका है गाइस, तो इसके लिए ये सैनिटाइजर टनल का जो किट है गाइस ये फुल्ली ऑटोमेटिक किट बनाया है आपके लिए। इसका वीडियो पहले भी बनाकर अपलोड किया था गाइस, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो फिर बना रहा हूँ। इसके बाद और एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे गाइस, इस किट को आपके टनल में कैसे लगाए गाइस। बहुत ही आसान है लगाना। इसके अंदर सेंसर वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है, 7 पीस नोजल मिलने वाला है, पंप अडेप्टर और जो रिले गाइस जिसका कनेक्शन करके आपको मिलने वाला है। सेंसर का प्लग यहाँ पर आपको दिखाई देगा, बस यहाँ पर आपको सेंसर का प्लग लगाना है। जैसे ही सेंसर के सामने कोई टारगेट आएगा गाइस तो ऑटोमेटिकली जो आपका पंप है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनलेट आउटलेट का पाइप का कनेक्शन यहाँ पर दिया है गाइस, यहाँ पर बस आपको पाइप को प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली पाइप यहाँ पर लॉक हो जाएगा। बहुत ही आसान है इस किट को इंस्टॉल करना। तो इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। इस किट के अंदर जो पंप अडेप्टर रिले फिटिंग किया है गाइस, इसमें से कोई भी चीजें नीचे नहीं गिरेंगी। जैसे कि सेंसर आपको निकालना है, ठीक है, ये मेरा किट है, ये सेंसर है आपका, ठीक है। किट के अंदर ही सेंसर नोजल आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर नोजल वगैरह फिल्टर वगैरह और पाइप डालना बाकी है, लेकिन इस किट के अंदर सब कुछ डाला है गाइस। इसका अनबॉक्सिंग करके हम देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसमें ये पूरा फिटिंग है गाइस। आपने इस बॉक्स को ऐसा भी किया तो ये कुछ भी नहीं गिरेगा, देख सकते हो आप। पूरा फिटिंग के साथ ये किट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको समझने के लिए ये देख सकते हैं स्टिकर लगाया है गाइस। यहाँ पर पावर सप्लाई 230 वोल्ट AC, यहाँ पर इनलेट आउटलेट पाइप का कनेक्शन, यहाँ पर सेंसर आउटपुट पिन और यहाँ पर जो है पावर इंडिकेटर। ये प्लग आपने आपके बोर्ड में लगाने के बाद, पावर सप्लाई का बटन ऑन करने के बाद यहाँ पर इंडिकेटर आपको दिखाई देगा गाइस, आपका पावर सप्लाई ऑन हुआ करके। तो साथ ही साथ हमारे चैनल का नाम जो कि समर्था टेक्निकल है गाइस यहाँ पर दिया है, नीचे मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पर सैनिटाइजर टनल किट लिखा है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये पूरा आपको पैकिंग करके मिलने वाला है। इस किट को आप इंडोर आउटडोर कहीं पर भी लगा सकते हो गाइस। और इसमें जो हम सेंसर यूज करते हैं गाइस, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल सेंसर है गाइस, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सेंसर है, देख सकते हो आप। ये जल्दी खराब भी नहीं होता गाइस, ये इंडस्ट्रियल सेंसर है। इसे 24 आवर्स आप चलाओ, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है और इस किट को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। सेंसर को आप धूप में चला सकते हो, छांव में चला सकते हो, उसके बाद आप दिन में चलाओ, रात में चलाओ, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है गाइस। जब इसके सामने टारगेट आएंगे ये तभी वर्क करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे नहीं दबाया गाइस तो दबा दीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस किट का अनबॉक्सिंग करके इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है तो चलिए देखते हैं। प्लास्टिक बॉक्स के अंदर सब कुछ आपको मिलने वाला है। 20 फीट का पाइप देख ही सकते हो आप, और इसमें आपको एक फिल्टर आने वाला है जो कि आपकी नोजल के सेफ्टी के लिए, नोजल ब्लॉक न हो इसके लिए आपको फिल्टर मिलेगा। और 7 पीस इसमें आपको टी मिलेगा, टी कनेक्टर 7 पीस, जिस पर आप आपके नोजल 7 नोजल कनेक्ट कर सकते हो। और 3 पीस यल्बो आपको मिलने वाले इस किट में, जिसमें आप लास्ट वाला नोजल कनेक्ट कर सकते हो और जो इन वाला पाइप है वहाँ पर आप फिल्टर के लिए यूज़ कर सकते हो। और 7 पीस ब्रास का 0.3 mm फॉग वाला नोजल इसमें आपको मिलने वाला है, एक सेंसर मिलने वाला है। इस किट में आपको 2 सेंसर दिखाई देंगे गाइस, क्योंकि सामने वाला जो कस्टमर है गाइस उनका रिक्वायरमेंट ऐसा था कि हमें 2 सेंसर से एक ही किट को ऑन ऑफ करना है, मतलब दोनों सेंसर में से किसी भी सेंसर के सामने कोई भी टारगेट अगर जाता है तो आपका किट
स्टार्ट हो जाएगा। पहले वाले सेंसर के सामने भी अगर आपका कोई टारगेट जाता है तो आपका किट स्टार्ट हो जाएगा, और सेकंड वाला जो सेंसर है वहाँ पर भी अगर कोई टारगेट जाता है गाइस सेंसर के सामने तो भी आपका किट स्टार्ट हो सकता है। मतलब ड्यूअल सेंसर किट ये हमने बनाई है गाइस, जैसे कस्टमर की डिमांड रहेगी उस हिसाब से आपको मिलेगा गाइस। लेकिन इस किट के अंदर एक ही सेंसर आपको मिलेगा, अगर आपको एक्स्ट्रा सेंसर चाहिए तो उसका पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। प्लास्टिक बॉक्स के ऊपर आपको पाइप का कनेक्शन करने के लिए इन और आउट का एरो दिखाई देगा गाइस, वहां पर आपको इन वाला पाइप कनेक्ट करना है, आउट वाले पर आउट वाला पाइप कनेक्ट करना है। और इस किट के अंदर जो बाकी की चीजें पंप अडप्टर और रिले आपको दिखाई दे रहा है ये फिटिंग किया है गाइस, इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा किट दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको सिंगल सेंसर मिलने वाला है। ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हो आपको कुरियर से ये किट फुल किट मिल जाएगा, या तो फिर आप अदर कंट्री से हो तो भी आपको कुरियर से ये मिल जाएगा। कुरियर चार्ज आपको अलग से देना है। 3 मंथ का आपको इस किट का गारंटी मिलने वाला है। अगर 3 मंथ के अंदर इस किट को कुछ भी प्रॉब्लम आता है गाइस तो आपको रिप्लेस करके नया मटेरियल मिल जाएगा। ये पूरा मटेरियल टेस्टेड करके ही मिलता है आपको। तो इस किट को हम टेस्ट करने वाले हैं। तो ये पावर सप्लाई प्लग है जो कि आपके बोर्ड में लगाना है। 230 वोल्ट एसी सप्लाई, यहाँ से आपको इनपुट देना है गाइस, और आउटपुट में आपका सेंसर कनेक्ट करना है जहाँ पर सेंसर आउटपुट पिन लिखा है गाइस, और पावर इंडिकेटर पावर ऑन करने के बाद आपको दिखाई देगा। जैसे सेंसर के सामने कोई टारगेट आएगा तो आपका किट स्टार्ट हो जाएगा। सेंसर के बैक साइड में इंडिकेटर के पास एक स्क्रू लगाए, इस स्क्रू को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से सेंसर का डिस्टेंस एडजस्ट होता है। वैसे अगर आपको ये किट चाहिए गाइस तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको अदर कोई डिटेल्स चाहिए या तो फिर इस किट के रिलेटेड आपको कोई भी पार्ट चाहिए जैसे कि सेंसर रिले चाहिए या तो फिर पंप चाहिए या तो फिर नोजल चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसे नहीं दबाया तो दबा दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।